जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट द्वारा, जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब एक हम सीरीज ही बनाएंगे, जिस सीरीज का नाम हम क्वेश्चन ऑन डिमांड रखेंगे। एक प्लेलिस्ट ही हम निर्माण कर दे रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्टूडेंट द्वारा, उसका हम जवाब इस लिस्ट में देंगे। तो क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो यूनिवर्सिटी स्तर के जो एग्जाम होते हैं, शायद ये कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी का अपने नेशनल स्तर का एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चंस न पूछा जाता हो। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लाग्रेंजेस थ्योरम है नाम इस थ्योरम का। प्रूव दैट लाग्रेंजेस फार्मूला कैन बी पुट इन द फार्मूलास। बट जब हम थ्योरी क्लासेस के दौरान बात करते हैं लाग्रेंजेस फार्मूला का, तो वो ऐसे लिखा जाता है, वो जो फार्म है लिखने का वो थोड़ा याद धरा दें। थ्योरी क्लासेस के दौरान ये बात ऐसी लिखी जाती थी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू, लिखने का रूल भी हमने बताया था कि यहाँ आप एफ ऑफ x नॉट लिखी, अब नीचे से वो शुरू करिए, ये हो गया x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2 एंड आल्सो ऑन x नॉट माइनस xr एंड आर सो वन एक्स नॉट माइनस एक्स। अच्छा, आर हमने इसलिए लिखा है ना क्योंकि यहाँ आर यूज है। अच्छा, आर की वैल्यू हमारी यहाँ क्या है, आर की जो वैल्यू है, कहने का मतलब जो मेरे यहाँ आर्गूमेंट्स जो यूज किए गए हैं वो ये है, एक्स नॉट है, एक्स वन है, एक्स टू है, एंड आर सो वन एक्स आर, एक्स आर प्लस वन एंड आर सो वन एक्स एन है। अच्छा, एक्स आर माइनस वन भी लिखा जा सकता है इसके जस्ट पीछे, तो ये मेरे आर्गूमेंट्स हैं। अब यहाँ क्या होगा, न्यूमरेटर में कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर्स में x माइनस एक्स नॉट सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, बाकी सबको सब्ट्रैक्ट करते हैं, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू एंड आर सो वन, एक्स माइनस एक्स आर एंड आर सो वन, एक्स माइनस एक्स एन प्लस। इसी तरीके से हम लोग एफ ऑफ एक्स वन भी लिखेंगे। अच्छा, लिख दे रहे हैं एंड आर सो वन, थोड़ा हम अब एफ ऑफ एक्स आर अगर लिखें तो क्या आएगा, देखा है एफ ऑफ एक्स आर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स आर माइनस एक्स नॉट एंड आर सो वन, एक्स आर माइनस वन होगा, क्लियर है ये, एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस वन होगा एंड आर सो वन एक्स आर माइनस एक्स एन होगा। कहने की मीनिंग क्या होगी, जो मेरा आर्गूमेंट एक्स आर है उसमें से इसमें से सारे आर्गूमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, सिर्फ एक्स आर छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब एक्स में से सारे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक्स माइनस एक्स नॉट होगा, एक्स माइनस एक्स वन होगा, सब होगा बट एक्स आर नहीं होगा, मतलब एक्स माइनस एक्स आर माइनस वन भी होगा, एक्स आर प्लस वन भी होगा और लास्ट में एक्स माइनस एक्स एन, ये होगा हमारा प्लस एंड आर सो वन। अब इसको समेशंस के रूप अगर हम देना चाहें, अब इस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को यहाँ पी एन एक्स डिनोट किया गया है बस, तो हम लोग पी एन एक्स भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ यूज दिस सिंबल, तो पी एन एक्स दिस समेशंस के रूप में कैसे लिखेंगे, देखा जाए आर वेरी फ्रॉम जीरो टू एन, जनरल टर्म हम नोट कर ले रहे हैं, ये हो गया एफ ऑफ एक्स आर दिस। अब क्या करेंगे, एक्स आर में से सारे आर्गुमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करिए, बस एक्स आर छोड़ दीजिए। चलिए लिखिए, कैसे लिखेंगे भाई, एक्स आर माइनस एक्स नॉट, एक्स आर माइनस एक्स वन, थोड़ा लंबा चौड़ा लिखते हैं तो अच्छा बात आएगी, समझने में भी आसानी रहेगी, एंड आर सो वन, एक्स आर में से एक्स आर माइनस वन निकालेंगे, एक्स आर में से एक्स आर प्लस वन भी जाएगा, बस एक्स आर नहीं होगा एंड आर सो वन एक्स आर माइनस एक्स एन दिस, ये बात मेरी हो गई। अब एक्स में से क्या क्या सब्ट्रैक्शन होगा, एक्स माइनस एक्स नॉट होगा, एक्स माइनस एक्स वन होगा, एक्स माइनस एक्स आर माइनस वन होगा, एक्स माइनस एक्स आर प्लस वन होगा एंड आर सो वन एक्स माइनस एक्स एन, ये बात मेरी होगी, यही बात है ना। दिस इस लाग्रेंजेस फार्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां क्या किया गया है, कहा गया है कि लाग्रेंजेस जो फार्मूला है मेरा, ये फार्मूला इस फार्म का भी लिखा जा सकता है, वेयर फाई एक्स की बातें हैं, तो थोड़ा फाई एक्स को मैं कायदे से लिख दूं तो अपनी बात हो जाएगी। अब मैं इनका नामकरण संस्कार इक्वेशन स्टार कर दे रहा हूं, तो चलिए, गिवन दैट हियर, व्हाट इज गिवन, जो गिवन है वो फाई एक्स इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट सिंबल है आर वेरी फ्रॉम जीरो टू एन, जैसे समेशन का सिंबल होता है ठीक वैसे प्रोडक्ट का है। अब आर जीरो से वेरी करिए तो एक्स माइनस एक्स नॉट है,
एक्स माइनस एक्स वन है, अच्छा एंड आर्ट्स वन एक्स माइनस एक्स आर माइनस वन भी है, यहाँ एक्स माइनस एक्स आर भी है, एक्स माइनस एक्स आर प्लस वन है, सभी में आर जीरो से एन तक पूरा है फैक्टर, एंड आर्ट्स वन एक्स माइनस एक्स एन, दिस यही है इसकी मीनिंग, आर वेरी फ्रॉम जीरो टू एन हो गया। अच्छा इसे एक्स आर जनरल टर्म है, तो जनरल टर्म के पहले क्या आएगा, एक्स आर माइनस वन आएगा, उसके बाद एक्स आर प्लस वन आएगा, एंड आर्ट्स वन एक्स माइनस एक्स एन। अच्छा इसमें से कोई आर्गुमेंट हटाया नहीं गया है ना, जीरो से पूरा एन तक बह रही है पूरा, वो मतलब क्या मीनिंग है हमारी, कितने फैक्टर्स हैं यहाँ, ये एक्स नॉट से एक्स एन कितने आर्गुमेंट्स होंगे, यानी एन प्लस वन, तो देयर आर एन प्लस वन फैक्टर्स, ये एन प्लस वन फैक्टर्स हैं हमारे ये फाइव एक्स में। अच्छा अब जो प्रूफ की जो बात कही गई है वह फाइव डैश एक्स आर की बात आई है, तो पहले हम थोड़ा फाइव डैश एक्स देखें क्या वैल्यू आती है, तो फाइव डैश एक्स कैसे निकालेंगे वो सारे, तो ये तो प्रोडक्ट एक्स माइनस एक्स आर ये है, इसकी वैल्यू जो इक्वल होगी एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एंड आर दिस। अच्छा अब इनका जब डिफरेंशिएशन किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फाइव डैश एक्स क्या लिखेंगे, चलिए अच्छा अभी डिफरेंशिएशन का भी हम थोड़ा बता दें ट्रिक है, यहाँ मेरे एन प्लस वन फैक्टर्स हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले को डिफरेंशिएट करिए बाकी सबको ऐसे रखिए, प्लस सेकेंड को डिफरेंशिएट करिए बाकी सबको रखिए, यही होता है प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ, और टू फंक्शंस का रूल पढ़ा है, बट अगर एन का है तो कैसे लिखते हैं, वही प्रोसेस है। देखिए उसके लिए ये है कि हम पहले को कर दे रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जब एक्स करेंगे तो एक्स का वन हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, बाकी जो फंक्शंस जितने हैं एज इट इज, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन एंड आर्ट्स वन एक्स माइनस एक्स आर माइनस वन, एक्स माइनस एक्स आर भी रहेगा, एक्स माइनस एक्स आर प्लस वन एंड आर्ट्स वन एक्स माइनस एक्स। थोड़ा इनको हम लंबा चौड़ा लिख रहे हैं, पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं ताकि समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी, अदरवाइज यहाँ जो बिगिनर स्टूडेंट है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इस फैक्टर को खोजने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए हम इसको पूरा खोल दिए हुए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। हो गया डिफरेंशिएशन, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, हम सेकेंड फैक्टर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बाकी एज इट इज लिखे जाएंगे, तो इसका करेंगे ताकि वन हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा कोई बात नहीं, तो वन बचेगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, ये पार्ट यहाँ से फिनिश हो जाएगा, बाकी होगा एंड आर्ट्स वन एक्स माइनस एक्स आर माइनस वन एक्स माइनस एक्स आर एक्स माइनस एक्स आर प्लस वन एंड आर्ट्स वन लास्ट में एक्स माइनस एक्स एन प्लस, ऐसे डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद थर्ड का होता, अच्छा अब इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं कर दूं तो फिर क्या आएगा देखा जाए, एक्स माइनस एक्स नॉट सिंगुलर वे में एक्स माइनस एक्स वन एंड आर्ट्स वन, इसका करेंगे तो फैक्टर हट जाएगा, ये बच जाएगा एक्स माइनस एक्स आर एक्स माइनस एक्स आर प्लस वन एंड आर्ट्स वन एक्स माइनस एक्स एन। अच्छा ये क्या होगा, ठीक है प्लस, अब मैं आर का अगर करूँ इसका तो फिर ये फिनिश होगा, बाकी हमारे फैक्टर्स जो होंगे एज इट इज रह जाएंगे, तो फिर क्या होगा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एंड आर्ट्स वन एक्स माइनस एक्स आर माइनस वन इंटू, अच्छा इसका जब आप करेंगे तो ये वन हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ये बच जाएगा, उसके बाद बाकी सारे टर्न बच जाएंगे, तो एंड आर्ट्स वन कर दें क्या बचा रह गया भाई एक्स माइनस एक्स आर प्लस वन हो गया और एंड आर्ट्स वन एक्स माइनस एक्स एन प्लस एंड आर्ट्स वन, अब लास्ट टर्म में कर दूँ तो समझ में आ गया होगा कि डिफ्रेंसिएशन कैसे हो रहा ये तो आसान चीज़ है कुछ है नहीं, अगर एन फैक्टर है या एन प्लस वन है या थ्री फैक्टर्स है टू फैक्टर्स कैसे करते हैं, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट अप्लाई सेम रिजल्ट, तो जब भी एन या एन प्लस वन हो तो उसके लिए एक ट्रिक रिजल्ट ये है ना कैसे कराएं आप, उसके लिए मैं बात कर बता दूं कि पहले को कर दीजिए बाकी सबको ऐसे लिख दीजिए, प्लस सेकेंड करिए सबको ऐसे उतार लीजिए, थर्ड को करिए बाकी ऐसे सबको उतार लीजिए, फिर ऐसे करते रहिए, लास्ट फाइनल कैसे करेंगे इसका करिए, तो जब इसका करेंगे तो ये तो वन बचेगा ये तो जीरो हो जाएगा, तो फाइनली इसका डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा और बाकी फैक्टर एज इट इज, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, चलिए ये भी लिख दे रहे हैं एक्स माइनस एक्स आर माइनस वन भी लिख दें, चलिए एक्स माइनस एक्स आर होगा एक्स माइनस एक्स आर प्लस वन होगा, अच्छा लास्ट टर्म क्या है पता है ये तो वन हो गया, तो जस्ट इसके पीछे वाला एक बचा रह जाएगा, तो चलिए लिख दे रहे हैं जस्ट पीछे वाला बचेगा मतलब ये होगा,
अब मुझे किसकी तलाश है कि फाई डैश यहाँ एक्स आर चाहिए, तो फाई डैश एक्स तो हमने निकाल लिया, दिस इज द फाई डैश एक्स। अब क्या करेंगे यहाँ कि पुटिंग एक्स इज इक्वल टू एक्स आर, तो देखिए थोड़ा है, अगर एक्स इज इक्वल टू एक्स आर, अब मैं इनका नामकरण संस्कार इक्वेशन डबल स्टार रख दूँ, आप लोग भी रख लीजिए इक्वेशन डबल स्टार। अब इसको मैं डिलीट कर दूँ, ये तो ऑलरेडी है ही, कोई बात नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहे हैं इसको नोट कर लिए होंगे। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू एक्स आर, एक्स इज इक्वल टू एक्स आर मैं पुट करने जा रहा हूं, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू एक्स आर इन इक्वेशन डबल स्टार। अब देखिए क्या मिलता है, जब एक्स इज इक्वल टू एक्स आर पुट करेंगे तो क्या क्या होगा, ये हो गया मेरा फाई डैश एक्स आर इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। अब यहां थोड़ा सीरियसली ध्यान देना है कि देखा जाए अगर एक्स इज इक्वल टू एक्स आर लिखते हैं तो जैसे एक्स इज इक्वल टू एक्स आर यहाँ पुट करेंगे एक्स आर प्रेजेंट है, अच्छा एक्स इज इक्वल टू एक्स आर लिखने पर ये जीरो हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म जीरो हो गया, अच्छा इसमें भी मेरा एक्स आर टर्म प्रेजेंट है ये भी जीरो हो जाएगा। कहने की मीनिंग क्या हो गई कि इसका जो आर एथ जो टर्म था, मतलब जिसको मैंने यहाँ डिफ्रेंसिएशन किया था जहाँ एक्स आर नहीं था वो मेरा बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, बाकी सारे जगह देखिए एक्स आर प्रेजेंट है, लास्ट टर्म में भी मेरा एक्स आर प्रेजेंट है, जब एक्स आर का वो टर्म जो एक्स आर का डिफरेंशिएशन हुआ होगा वहां से एक्स आर हट गया होगा, अब वहां एक्स इज इक्वल टू एक्स आर लिखेंगे तो वो जीरो नहीं होगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो वो मैंने ये टर्म यहाँ है जब डिफरेंशिएशन हम लोगों ने किया था, तो वेयर इज दिस टर्म एक्स आर का डिफरेंशिएशन, एक्स आर का डिफरेंशिएशन हमारा किस टर्म में प्रेजेंट है, ये टर्म में प्रेजेंट है, यह टर्म देखिए यहाँ ध्यान से, ये आर एथ टर्म का डिफरेंशिएशन, यहाँ सारे टर्म प्रेजेंट है बट एक्स आर वाले टर्म हमारे प्रेजेंट नहीं है, तो यही टर्म बचेगा, ओनली दिस टर्म इज रिमाइंडर एंड ऑल अदर टर्म आर अदर फैक्टर इज जीरो, ये बचेगा। तो फिर आएगा क्या, फाइव डैश एक्स आर इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो एंड आर्ट्स वन, आगे से टर्म वाला बचेगा जिसका डिफरेंशिएशन में एक्स आर टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स आर माइनस एक्स नॉट, एक्स आर माइनस एक्स वन एंड आर्ट्स वन, एक्स आर माइनस ये भी है, इसके बाद वाला भी है और एंड आर्ट्स वन एक्स आर माइनस एक्स, दिस ये है मेरा, दिस इज द फाइव डैश एक्स आर। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूँ, एक्स आर माइनस एक्स नॉट, एक्स आर माइनस एक्स वन एंड आर्ट्स वन एक्स आर माइनस वन, एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस वन एंड आर्ट्स वन एक्स आर माइनस एक्स, ये मेरी बात हो गई, ये हमने जो वैल्यू निकाली ये हो गई फाइव डैश एक्स आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फाइव डैश एक्स आर। अब हम लोग देख लेते हैं, बस अब सेटिंग एंड गेटिंग की बात आ गई है, सेट एंड गेट कर दीजिए, सेटिंग एंड गेटिंग। अब सेटिंग एंड गेटिंग कैसे करेंगे ये मुझे प्रूफ करना है, तो अब जो इक्वेशन स्टार है इसको इस रूप का बनाना पड़ेगा, फाई ऑफ एक्स लाना है, तो फाई ऑफ एक्स ये है मेरा, तो अब यहाँ क्या नहीं है वो चीज़ देख ले। अब इसमें एक्स आर टर्म प्रेजेंट नहीं है, ये एक्स माइनस एक्स आर ये नीचे चाहिए हमें, अच्छा ये टर्म यहाँ नीचे नहीं है, तो फिर करना क्या होगा, प्रूफ को देखते हुए एक्स माइनस एक्स आर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो जो इक्वेशन स्टार है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइंग बाय व्हाट, एक्स माइनस एक्स आर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन इक्वेशन स्टार, इक्वेशन स्टार के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस एक्स आर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो अब तो मैं इक्वेशन डबल स्टार डिलीट कर दूं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, फाइव डैश एक्स आर चाहिए तो मैं निकाल चुका हूं। अच्छा अब इक्वेशन स्टार को हमें लिखना है, तो ये लंबा चौड़ा, अब इसको डिलीट कर दूं, उम्मीद है कि लिसनर इस चीज को नोट कर लिए होंगे।
चलते हैं देखते हैं क्या होता है। अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन स्टार को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x माइनस एक्स आर से मल्टीप्लाई करना है। रीजन क्या है, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि मुझे x माइनस एक्स आर चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया कि जो लैग्रेंजेस थ्योरम है उसको मैं इस फॉर्म का लिख सकता हूँ, ऑलरेडी है फैक्टर है, तो फैक्टर क्या प्रेजेंट हमारे यहाँ नहीं है स्टार में, तो फिर लाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसे डिवाइड भी करेंगे। तो कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन स्टार को, इक्वेशन स्टार कैन बी रिटन एज हियर, तो ऑलरेडी हमारे पास है तो मैं तो लिख लूँ, बट आपको लिखना पड़ेगा इक्वेशन स्टार फ्रॉम इक्वेशन स्टार क्या करना है, एक्स माइनस एक्स आर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलिए तो एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन एंड नॉट सो वन, एक्स माइनस एक्स आर माइनस वन ये है, और एक्स माइनस एक्स आर प्लस वन ये है, और एंड नॉट सो वन एक्स माइनस एक्स एन है, ये एफ ऑफ एक्स आर है, और नीचे जो हमारा मल्टीप्लीकेशन चल रहा है वो एक्स माइनस एक्स आर से, तो चलिए कर देते हैं एक्स माइनस एक्स आर दिस, उसके बाद एक्स आर माइनस एक्स नॉट, एक्स आर माइनस एक्स वन एंड आर सो वन एक्स आर माइनस वन, फिर एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस वन एंड आर सो वन एक्स आर माइनस एक्स। अच्छा, इस टर्म की लिखने की जरूरत नहीं थी, बट हमने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि बिगिनर स्टूडेंट को बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं से प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ देखा जाए फाई ऑफ एक्स क्या है, फाई ऑफ एक्स मेरा ये है दिस। अच्छा, इस फाई एक्स को अगर मैं ब्रेक कर दूँ तो फिर क्या लिखेंगे, पहले ब्रेक कर दें, आर वेरी फ्रॉम जीरो टू वन करना है, तो एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन एंड आर सो वन पूरा लिखेंगे, तो एक्स माइनस एक्स आर माइनस वन ये हो गया, उसके बाद ये जनरल, जनरल से एक ज़्यादा, फिर लास्ट, ये मेरा जो है फाई एक्स की सिनारियो है, ये फाई एक्स है, ये फाई एक्स की यही सिनारियो है। अब देख लीजिए फाई एक्स यहाँ ऊपर है फाई एक्स पूरा बाय दिस, और इसको देखा जाए ध्यान से, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा जो ब्रैकेट जो दिया हुआ है, जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक्स माइनस एक्स आर है, देखिए दिस इज द एक्स माइनस एक्स आर, एक्स माइनस एक्स आर माइनस वन है, आर प्लस वन है, बट एक्स माइनस एक्स आर नहीं था, तो अगर ये भी यहाँ मिल गया जो मल्टीप्लाई कर दिए, तो जो टोटल ये ब्रैकेट है दिस इक्वल टू फाइव एक्स, तो फिर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू समेशन आर वैल्यू फ्रॉम जीरो टू वन। अब ऊपर मैं लिख सकता हूँ फाइव ऑफ एक्स आर दिस, ये तो एफ ऑफ एक्स आर है ही है, हो गया ये अपान। अच्छा, अब यहाँ अगर ध्यान से अगर हम लोग देखें दिस, यहाँ से यहाँ तक जो मेरा ब्रैकेट है दिस इज इक्वल टू फाइव डैश एक्स आर, देखा जाए एक्स आर माइनस एक्स ना एस एक्स आर माइनस एक्स ना एक्स आर माइनस एक्स वन दिस एक्स आर माइनस वन दिस एक्स आर प्लस वन दिस एंड लास्ट में दिस, मीनिंग यहाँ से यहाँ तक ये जो मेरा जो प्रोडक्ट है जो फैक्टर्स हैं दिस इज इक्वल टू फाइव डैश एक्स आर एंड एक्स माइनस एक्स आर, ये नहीं है यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा फाइव डैश एक्स आर है, तो एक्स माइनस एक्स आर इनटू फाइव डैश एक्स आर एंड हेंस दिस इज द प्रूफ हियर, ये मेरा प्रूफ हो गया, यानी लैग्रेंजेस जो मेरा जो थ्योरम था उस लैग्रेंजेस थ्योरम को मैं इस फॉर्म का लिख सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी लिसनर्स इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहे हैं उनको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, क्योंकि एक एक फैक्टर का हमने कायदे से पोस्टमार्टम कर दिया है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अगर एक बार क्लियर नहीं है तो फिर इस वीडियो को एक बार धीरे धीरे से देखा जाए, अगर उसके बाद भी नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, पूरे उसका पूरा जवाब देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इसके पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट था ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अब आप फिर कमेंट करिए और कौन से क्वेश्चंस नहीं समझ में आए हैं उस क्वेश्चंस को अगेन मैं सॉल्व करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।